हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ हम अपने डॉग के अंदर से टिक एंड फ्ली, जो छोटे छोटे इनको कीड़े पड़ जाते हैं, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपके डॉग के टिक एंड फ्ली हो जाते हैं तो ये डॉग के लिए डेंजरस होते हैं, और कई दफ़ा इनसे टिक फीवर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे डॉग की डेथ भी हो सकती है। पूरे पूरे चांसेस होते हैं टिक फीवर होने के, एंड एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो गाइस, इनका कोट भी ख़राब हो जाता है, वो शाइनी कोट नहीं होता। तो जितना हो सके अपने डॉग को टिक एंड फ्ली से अवॉइड करें। सो गाइस, ये है मेरी रॉक्सी। तो पहले इसके भी बहुत टिक एंड फ्ली हो जाते थे। तो मैंने एक शैम्पू यूज़ किया है, आपकी स्क्रीन पर पिक आ रही होगी। ये है विरबैक का क्लीनर एम एंटी टिक फ्ली एंड शैम्पू। सो गाइज, आप मुझे तो ये बेटर लगा, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। और भी मार्केट में कई तरह के शैम्पूज आते हैं, और स्प्रे आती है, पाउडर आते हैं, स्पॉट ऑन आते हैं। तो आप बेटर, तो मुझे तो यही लगा विरबैक का क्लीनर एम। तो गाइज, आप भी इसे यूज़ कर देख सकते हो, तो रिव्यू कमेंट में बता देना। सो गाइज, आज की वीडियो इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे फ्यूचर में आती रहेंगी।